नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई जनरली मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑपोजिट बोलने वाला हूँ। टेक्निकली मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, बिकॉज दीज आर नॉट टीवीज दैट आई वुड प्रोबेबली वॉन्ट टू कवर। तो आप सोच रहे होंगे कि कवर क्यों कर रहे हो भाई। भाई मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको सारे टेलीविजन जो है हमारे इंडियन मार्केट में, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए मेरे को उन मॉडल्स को भी डालना होगा, जो मॉडल्स के ऊपर प्रॉब्लम मैं बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये ऐसी वीडियो होने वाली है, तो अगर आप देखना चाहते हैं यू कैन कंटिन्यू, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए, क्योंकि डिस्क्लेमर में भी मैं वही बोलूंगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। दो डिस्क्लेमर। नंबर वन, कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, आप जाकर के कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए जहां पे आपको हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो मिलेगा। अपना समय व्यर्थ ना कीजिएगा, मैं आपके टाइम को भी अप्रिशिएट करता हूं, इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर बोल दे रहा हूं। नंबर वन। नंबर टू, जो भी प्राइसेस आप आज देखेंगे जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि सेल आते हैं जाते हैं, प्राइस घटते हैं ऊपर बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे दिखा दिया तो इसी प्राइस पे मिलेगा आपको। तो दो डिस्क्लेमर मार दिए, तो हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 75 इंच का चित्र डाला है आपने V6B का, भाई चित्र मैंने 75 इंच का डाला है, बट टेक्निकली मैं ज्यादा करके 55 इंच पे फोकस करता हूं जब भी मैं कंपैरिजन वीडियोस बनाता हूं। एंड व्हाई? क्योंकि 55 इंच स्टैटिस्टिकली सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज है, तो उसी पे मैं इस वीडियो पे भी फोकस करूंगा। बट हाँ, मैं दूसरे साइजेस और उसके प्राइसेस के बारे में भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही टीवीज जो है वो 2024 वाले मॉडल्स है फ्रॉम हाइसेंस एंड TCL रेस्पेक्टिवली। दोनों ही टीवीज आर नॉन क्यूलेट्स। जी हाँ, दोनों ही टीवीज आर स्टैंडर्ड LEDs, तो ये एक क्यूलेट कंपेरिजन नहीं है। दोनों ही टीवीज 2024 के एंट्री लेवल मॉडल्स है इन टू द टीवी जो मैन्युफैक्चरर्स के टीवीज हैं, टीवीज मॉडल्स, तो दीज आर एंट्री लेवल मॉडल्स फ्रॉम हाइसेंस एंड TCL। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में तीन HDMI पोर्ट्स आपको दोनों में मिलेंगे, और दोनों ही में आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट भी मिलेगा। HDMI eARC आपको दोनों में मिल रहा है। दो USB पोर्ट आपको मिलेंगे हाइसेंस के E6N में, बट TCL के V6B में आपको सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा। एंड अनलाइक TCL के जो और महंगे टीवी और क्यूलेट्स हैं, जैसे आपका C61, C69, C655 हो गया, वहां पे भी आपको एक USB पोर्ट मिलता है। पर डिफरेंस ये कि वो USB पोर्ट USB 3.0 है, यहाँ पे ये जो एक लौता USB पोर्ट है ये भी USB 2.0 है, और Hisense E6N में भी आपको दो 2.0 USB पोर्ट्स मिलेंगे। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी आपको Hisense E6N में 5.3 मिलेगा, V6B में 5.0 मिलेगा। फार फील्ड माइक्स आपको E6N में नहीं मिलेगा, जो आपको V6B में मिलेगा। वॉल माउंट दोनों ही टेलीविजन में आपको नहीं मिलेगा इन द बॉक्स, तो आपको वॉल माउंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, प्लीज नोट दैट। डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, देखिए दोनों ही टीवीज में आपको 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। Hisense में A53 है CPU में, और TCL V6B में A55 है। E6N में आपको GPU बेटर मिलेगा, बिकॉज माली G52 है, विच इज कंपेरेटिवली बेटर देन माली G31। 2 GB का RAM स्टैंडर्ड है दोनों ही टीवीज में, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज भी स्टैंडर्ड है। TV OS भी दोनों में आपको Google TV OS मिलेगा, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है, E6N में आपको Android 12 बेस्ड Google TV OS मिलेगा, और V6B में आपको Android 11 बेस्ड Google TV OS मिलेगा। हालांकि ये दोनों टीवी 2024 में लॉन्च हुए थे, बट दोनों ही में आपको एंड्रॉइड 14 बेस्ड गूगल टीवी OS नहीं मिलेगा। लेट्स मूव ओवर टू द साउंड ऑफ बोथ दीज टीवीज। अब दोनों ही टीवीज में 24 वॉट्स का आपको स्पीकर्स मिलेगा, स्पीकर आउटपुट। डोल्बी एटमस का सपोर्ट आपको V6B में मिलेगा, तो V6B में आपको डोल्बी ऑडियो मिलेगा, डोल्बी एटमस मिलेगा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। हाइसेंस E6N में आपको DTS X का सपोर्ट मिलेगा, जो आपको V6B में नहीं मिलेगा। दोनों ही टीवीज में आपको 2.0 चैनल है, और जो Hisense E6N का स्पीकर सेटअप है, दैट इज स्लाइटली बेटर देन V6B, बिकॉज इट्स 8 into, आप बोल सकते हैं, या 8 into काइंड ऑफ 3 आप बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ वैसा सेटअप है।
V6B में आपको सेटअप हालांकि मे बी उतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पर साउंड के मामले में V6B इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली स्टिल बेटर देन हाइसेंस की E6N, टेक माय वर्ड फॉर इट। लेट्स मूव ओवर टू डिस्प्ले एंड द पिक्चर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी। आप सोच रहे होंगे TCL V6B में तो भाई आपने लाल कर दिया, लाल सिंह चड्डा हो गया यहां पे, बैड जोक। तो दोनों ही टीवीज में देखिए VA पैनल्स है, 8-bit प्लस FRC पैनल्स है, दीज आर नॉट 10-bit पैनल्स। और रही बात ब्राइटनेस की बात, तो हाइसेंस की E6N में आपको 300 nits की ब्राइटनेस मिलेगी एंड V6B में 270 nits की ब्राइटनेस मिलेगी। तो ब्राइटनेस के मामले में ऑब्वियसली E6N इज कंपैरेटिवली बेटर। नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो दोनों ही टीवीज में 5000:1 का है, जाहिर सी बात है VA पैनल है, ब्लैक्स अच्छे होंगे और कॉन्ट्रास्ट रेशियो दोनों ही में आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपका ये जो 270 nits वाला जो ब्राइटनेस है उसकी आपको कमी महसूस होगी इन टर्म्स ऑफ HDR परफॉर्मेंस, बिकॉज 270 nits विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ गुड HDR परफॉर्मेंस। और HDR की भी अगर हम बात कर ले तो देखिए E6N में आपको Dolby Vision भी मिलेगा, HDR 10 भी मिलेगा, पर V6B में आपको सिर्फ HDR 10 का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको Dolby Vision का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो दैट्स अ बिग मिस। वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी आपको सिर्फ Hisense की E6N में मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, VRR सपोर्ट करेगा बिटवीन 48-60 Hz। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, राइट नाउ ऑन द स्क्रीन आई विल टेल यू E6N इज द बेटर टीवी टू बाई बिटवीन दीज टू। तो डिस्प्ले के मामले में एंड पिक्चर के मामले में आई वुड से E6N कम्स आउट द विनर बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस। नंबर वन, ब्राइटनेस इज बेटर। नंबर टू, सपोर्ट्स Dolby Vision HDR स्टैंडर्ड एज वेल। तो लेट्स टॉक अबाउट कौन से साइजेस में अवेलेबल है और इसकी प्राइसिंग क्या है। देखिए दीज आर सम ऑफ द चीपेस्ट LED TVs दैट यू कैन बाय फ्रॉम दीज टू मैन्युफैक्चरर्स, हाइसेंस एंड TCL। 43 इंच की प्राइस स्टार्ट होती है ₹23,000 से, राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं। एज फार एज E6N goes, V6B ₹21,000 का है इन 43 इंच। आप अगर मुझे पूछेंगे ₹2,000 का अंतर है दोनों के बीच में, पर इफ यू आस्क मी माई प्रेफरेंस एक्सक्यूज मी देन आई एम हैप्पी स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा ₹2,000 ऑन द E6N। आई विल एक्सप्लेन व्हाई इन अ शॉर्ट व्हाइल, क्योंकि अगर आप 55 इंच की भी अगर बात कर लें तो सिर्फ ₹3,000 का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ 55 इंच। 65 इंच में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ₹3,000 का ही डिफरेंस है। और अगर आपको 75 इंच चाहिए तो यहां पे सिर्फ V6B में मिलेगा आपको, E6N में 75 इंच अवेलेबल नहीं है। सो व्हाई विल आई रेकमेंड द E6N, हालांकि इट इज मोर एक्सपेंसिव। आज की इस कंपैरिजन का क्लियर विनर obviously is going to be Hisense E6N. There are a few key reasons why. Number one है, इसकी brightness is comparatively better. Number two, इसका HDR performance is going to be comparatively better. Plus, इसमें Dolby Vision HDR standard भी available है, जो V6B में नहीं है. तीसरा reason is because obviously इसकी price में थोड़ा सा अंतर है, या मैं मानता हूँ 2,000-3,000 rupees का अंतर है, पर in terms of the overall build quality as well, Hisense E6N is slightly better than TCL ki V6B. There is one more reason that I would want to tell you ki isme aapko Android 12 based Google TV OS milta hai aur V6B mein Android 11 based Google TV OS milta hai. So from all angles, from the price to value ratio, halaki ye aur mehengi hai than V6B, I will still recommend Hisense ki E6N over V6B for all the reasons that I have mentioned. बट देखिए जाइए मत, क्योंकि एक और सेक्शन बाकी है विच इज द वर्दी ऑल्टरनेटिव्स, जो मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कवर करता हूं। अगर हम TCL ही की बात कर रहे हैं देन प्लीज ऑल्सो चेक आउट TCL ही की ये दो टीवीज, एक है आपका P71B Pro और एक है आपका C61B। ये दोनों ही टीवीज QLED है। आई नो आप ये बोलेंगे कि भाई P71B Pro QLED नहीं है। देखिए इसके पीछे ना एक स्टोरी है एंड प्रोबेबली आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। But according to TCL, they have followed the same standard that they would make or use in other QLED TV ka manufacturing. Isme quantum dot layer bhi hai. Ha, iska light jo hai, usme I think cadmium missing hai. And because of that, wo blue light nahi hai. So that is a serious
इशू फ्रॉम द क्यूलेट परस्पेक्टिव एंड इट कैन बी कंटेस्टेड, आप बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू TCL इट इज अ क्यूलेट. हाँ, बॉक्स में क्यूलेट नहीं लिखा होगा, पर अगर आप इनके वेबसाइट पे चले जाएंगे और P755 Pro ले लेंगे, जो एक क्यूलेट मेंशन किया गया है उन्होंने अपने खुद के TCL के वेबसाइट पे, इंडिया वेबसाइट पे, तो दैट इज अ क्यूलेट. और ये भी टेक्निकली एक क्यूलेट ही है मेरे हिसाब से. बट व्हाट आई वांट टू से इज, वेदर इट्स अ क्यूलेट और नॉट अ क्यूलेट, इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ बेटर टीवी देन हाइसेंस E6N एंड TCL की V6 भी. और रही बात C61B की, there is serious reasons as to why you should consider it. Number one, it is way brighter. Number two, it's a QLED. Number three, इसमें आपको 32GB का internal storage मिलेगा. And number four, इसमें DLG 120Hz का support भी मिलता है. तो both these TVs are really good. अगर आप मुझे पूछेंगे, they are way better than आज के इस comparison के दो TVs, which is Hisense E6N and V6B. तो आपको क्या लगता है? Please let me know in the comment section. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है इन दो TVs को लेकर के, प्लीज लेट मी नो. अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है. आप दो वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. नंबर वन, बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, आप मेरे कम्युनिटी का एक हिस्सा बन सकते हैं. एंड अपने टेस्टिमनीज जो है वो शेयर कीजिएगा, अपने कॉमेंट्स, अपने रिव्यूज भी शेयर कीजिएगा. मैं दूसरे अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वो शेयर करूंगा, ताकि एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल. तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक बटन को जरूर दबा दिए, साथ ही में और घंटी यानी बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूंगा आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफ दीज टीवीज एंड सम ऑफ द अदर टीवीज दैट आई रेकमेंड. आप अगर कोई भी ब्रांड को खरीदेंगे, सोनी, LG, सैमसंग, TCL, हाइसेंस, व्यू, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, मुझे अमेजोन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं आपको, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आई टेक्निकली मेक मनी फ्रॉम Amazon एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो कोई ब्रांड एफिलिएशन नहीं है, नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, आई गेट Amazon's एफिलिएट कमीशन. एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. पर आज के वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.